मोहम्मद बिन सलमान अल सूद बोलचाल की भाषा में अपने प्रारंभिक MBS या MBS द्वारा जाने जाते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं। वह आर्थिक और विकास मामलों की परिषद के अध्यक्ष और राजनीतिक और सुरक्षा मामलों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। MBS के रूप में भी जाना जाता है। जन्म 31 अगस्त 1985, सऊदी शाही परिवार का सदस्य जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 2017 और प्रधान मंत्री 2022 के रूप में कार्य करता है। उन्होंने रक्षा मंत्री 2015-22 के रूप में भी कार्य किया। वह सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदाह बिन फलाह बिन सुल्तान के बेटे हैं। प्रारंभिक जीवन, छोटी उम्र से ही मोहम्मद सरकार में रुचि रखते थे, अपने पिता की छाया में रहते थे और अपनी छवि के बारे में सचेत रहते थे। रास्ते में उन्होंने विभिन्न प्रकार के गणमान्य लोगों के साथ संवाद करना और अविवेक से बचना सीखा। उन्होंने सऊदी अरब के रियाद में किंग सूद विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने 2007 में कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई फर्मों और एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। 2009 में वे अपने पिता के औपचारिक सलाहकार बने, जो उस समय रियाद के गवर्नर थे। जैसे ही सलमान पद और प्रभाव में बढ़े, अंततः 2012 में युवराज बन गए। उनके भरोसेमंद बेटे मोहम्मद उनके साथ बढ़ गए। रक्षा और आर्थिक नीति के प्रभारी जनवरी 2015 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला की मौत हो गई और सलमान शाह बन गए। उन्होंने तुरंत मोहम्मद को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। कुछ ही महीनों में मोहम्मद ने यमन के गृह युद्ध में एक आक्रामक सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। ऑपरेशन डीसी सिवस्टोरम के रूप में जाना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य यमनी राष्ट्रपति की सरकार को देना है। अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी देश के उत्तर में शिया हौथी विद्रोह के खिलाफ एक निर्णायक लाभ। यह सोचा गया था कि एक हौथी जीत सऊदी अरब के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान को सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा पर एक पैर जमाने दे सकती है। अभियान हालांकि युद्ध में ज्वार को मोड़ने में विफल रहा और लंबे समय तक गतिरोध और आधुनिक इतिहास में सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक से थोड़ा अधिक हुआ। मोहम्मद को राज्य की तेल कंपनी अरामको और आर्थिक विकास के लिए देश की प्राथमिक नीति निर्माण संस्था आर्थिक और विकासात्मक मामलों की परिषद का प्रभारी भी रखा गया था। उन्होंने अरामको को एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के लिए खोलने की मांग की और साहसिक विकास पहलों की शुरुआत की, जैसे कि उनकी विजन 2030 योजना को इसके ऊर्जा क्षेत्र के बाहर के उद्योगों के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। हालांकि इनमें से कुछ नीतियां बहुत महत्वाकांक्षी साबित हुईं। हालांकि उन्होंने अरामको को 2017 की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने का अनुमान लगाया था, लेकिन 2019 के अंत तक इस कदम में बार बार देरी हुई। मुकुट वाला राजकुमार मोहम्मद को जून 2017 में क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपने दुस्साहसिक लक्ष्यों का पीछा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कतर के खिलाफ एक बहुदेशीय नाकेबंदी की, न केवल ईरान के प्रति अपने दोस्ताना रुख के लिए बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी गैर राज्य अभिनेताओं के समर्थन के लिए भी। हालांकि 3 साल की नाकेबंदी ने अल्पावधि में कतर के लिए संकट पैदा कर दिया, लेकिन देश ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को अपने साथी खाड़ी देशों पर निर्भरता से दूर करने के लिए किया। कई बार विदेशों में उनकी मुखरता का उल्टा असर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया हुई। नवंबर 2017 में लेबनान के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने रियाद की यात्रा के दौरान अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ही हरीरी को लेबनान लौटने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा निलंबित कर दिया। विचित्र प्रकरण के पीछे की परिस्थितियां अनकही रही, लेकिन दुनिया के संदेह मोहम्मद द्वारा एक साल बाद एक निवेश सम्मेलन में परिलक्षित हुए, जब उन्होंने हरीरी के अपहरण के बारे में एक चुटकुला सुनाया। लगभग उसी समय जब हरीरी का अजीबोगरीब इस्तीफा दर्जनों सऊदी राजकुमारों, व्यापारिक नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। युद्धाभ्यास को भ्रष्टाचार विरोधी स्वीप के रूप में बिल किया गया था, लेकिन क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति देश के कुछ सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनमें मेगा अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल शामिल थे। कई पर्यवेक्षकों को संदेह था कि स्वीप का असली उद्देश्य मोहम्मद के हाथों में सत्ता सुरक्षित करना था।
कई को उनके कारोबार का आंशिक नियंत्रण राज्य को सौंपने या अरबों डॉलर का भुगतान करने के बाद ही रिहा किया गया था। माना जाता है कि सऊदी सरकार ने इस कदम से 100 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की थी। स्पष्ट झटकों के बावजूद मोहम्मद को शुरू में घर में एक सुधारक के रूप में विदेशों में प्रतिष्ठित किया गया था। अक्सर रूढ़िवादी सूदी और वहाबी धार्मिक प्रतिष्ठान की चिढ़ के लिए उनकी नीतियों ने कई सख्त सामाजिक प्रतिबंधों को शिथिल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सऊदी अरब जाना जाता था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के अनुरूप सिनेमा घरों पर प्रतिबंध को उलट दिया गया और महिलाओं को खेल आयोजनों में भाग लेने की अनुमति दी गई। 2018 में उन्होंने यह कहकर सार्वजनिक ड्रेस कोड को थोड़ा ढीला कर दिया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से एक लंबा काला लहंगा अबाया पहनने की आवश्यकता नहीं है। उस वर्ष बाद में महिलाओं को ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी गई, जिससे महिलाएं काम या स्कूल जा सकती थी या बिना किसी साथी के काम कर सकती थी। फिर भी उदारीकरण की ओर ये कदम आर्थिक लाभ से प्रेरित प्रतीत हुए, न कि स्वतंत्रता की इच्छा से, जबकि महिलाओं को नए विकल्पों की पेशकश की गई थी जो उन्हें अपने पुरुष अभिभावकों की निरंतर सहमति और परिवहन की आवश्यकता के बिना पैसा कमाने और खर्च करने की अनुमति देगी। सरकार ने उन महिला कार्यकर्ताओं पर भी नकेल कसी जो अधिक स्वतंत्रता के लिए दबाव डालती रहीं। अक्टूबर 2018 में मोहम्मद ने एक प्रमुख पत्रकार और निर्वासित सरकारी आलोचक जमाल खशोगी की विदेशों में असाधारण हत्या की साजिश रची, जो कभी सऊदी राजदूत के सलाहकार और सहयोगी के रूप में सेवा करते थे। मोहम्मद के आदेश पर सऊदी गुर्गों ने खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में फुसलाया, जहां उन्होंने उसे यातनाएं दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने हत्या के खिलाफ आक्रोश का नेतृत्व किया। निर्वासन में रहने वाले एक असंतुष्ट के खिलाफ तुर्की की धरती पर प्रतिबद्ध इसने राज्य की संप्रभुता और मानवाधिकारों दोनों की अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को उठाया। नतीजा निहित था, क्योंकि शाही परिवार ने इस घटना के लिए जिम्मेदारी से बचना जारी रखा, लेकिन विदेशों में मोहम्मद की छवि खराब हो गई थी। मार्च 2020 में जब दुनिया कोविड 19 महामारी से जूझ रही थी, मोहम्मद ने एक बार फिर सऊदी शाही परिवार के साथी सदस्यों को हिरासत में ले लिया। कहा जाता है कि देशद्रोह के लिए जांच की जा रही है। बंदियों में राजा सलमान के भाई अहमद और मोहम्मद बिन नाइफ सहित सिंह हासन के बहुत करीब के राजकुमार शामिल थे, जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने बदल दिया था। इस बीच महामारी से आर्थिक गिरावट और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने 2022 में एक वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद के कद को पुनर्जीवित कर दिया। तेल के उच्च कीमतों और मुद्रास्फीति ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को त्रस्त कर दिया। एर्दोगन ने जून में तुर्की में मोहम्मद का गर्मजोशी से स्वागत किया और अमेरिकी राष्ट्रपति के बावजूद अमेरिका सऊदी संबंधों में मोहम्मद को दरकिनार करने के जो ब्रिटेन के पहले के संकल्प, जुलाई में सऊदी अरब की एक हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान ब्रिटेन ने मोहम्मद से आमने सामने मुलाकात की। सितंबर 2022 में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पारंपरिक रूप से राजा द्वारा आयोजित एक कार्यालय जो मंत्री परिषद की देखरेख करता है, उनके छोटे भाई खालिद ने रक्षा मंत्री के रूप में उनकी जगह